हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। स्टार्ट करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या कहते हैं, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है वो तो बनता ही है, जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O बना, साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल, CH4 गैस, इट मीन्स मीथेन गैस प्लस 2 ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O बनाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट से ऑल स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप लोग को ये रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप इसका शॉर्ट फॉर्म और नाम और परमाणु संख्या का एक लिस्ट होता है 1 to 30 तक, वो याद करिए। और नहीं होता है तो मैं अगले पार्ट में उसका 1 से 30 तक का शॉर्ट फॉर्म, परमाणु संख्या और परमाणु संख्या, परमाणु और उसके शॉर्ट फॉर्म का वीडियो बना दूंगा, उससे मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करता है, ऊष्मा को लेके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है 2H2O लिक्विड, H2O मतलब होता है जल, विद्युत को अवशोषित करके 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। थर्ड है 2 सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर मतलब चांदी होता है, और सूर्य के प्रकाश को लेके 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली अवक्षेप मतलब होता है वैसा कोई फालतू चीज जिसका रिएक्शन में कोई ज़रूरत ना हो, तो रिएक्शन करने के बाद अवक्षेप का निर्माण हो उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। तांबे के ऊपर हरी परत व चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जब पूछेंगे, भाई धातु होता क्या है, तो धातु वो होता है, आप लोगों ने देखा होगा लोहा, हम लोग देखते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या उससे बना हुआ कोई भी पदार्थ वगैरह आसपास हमेशा हम लोग देखते हैं। तो जितने भी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे जो भी चीज़ होते हैं, सोना, चांदी वगैरह, इन सबको हम लोग धातु बोलते हैं। तो धातु में क्या होता है, देखते होंगे अम्ल या फिर नमी यानी हवा, पानी वगैरह जब लगता है तो वो क्या होता है, सड़ने लगता है, इसी को बोलते हैं धातुओं का संक्षारण। यह संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे कि तांबे के ऊपर हरी परत व चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। तो इससे एक नंबर यह क्वेश्चन बनता है, जैसे कि तांबे के ऊपर कि जो परत होती है वो हरी कलर की होती है और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है संक्षारण होने के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता जैसे कि तेलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्री, जितने भी हम लोग का खाने के सामान होते हैं जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे वगैरह, ये सब का जो पैकेट वाला सामान होता है जो तेल से छना हुआ होता है, वो सब क्या है, अगर लंबे समय तक अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है, उपचयित हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें हवा लगने के कारण वो उपचयित हो जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मह गया, जिसके वजह से उसका टेस्ट वगैरह खराब हो जाता है और गंध स्वाद ये सब बदल जाता है, इसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे देख सकते हैं लैंग्वेज में, तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उपचयित होने के कारण उसकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट हम लोग जितना भी खाते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो इनमें क्या होता है, एग्जांपल्स में हम लोग चिप्स के पैकेट लेते हैं, जैसे कि हम लोग कुरकुरे वगैरह लेते हैं कि हम लोग 5 रुपए का कुरकुरे लेते हैं तो उसमें क्या है, 2 रुपए का कुरकुरे निकलेगा, 8 का पैकेट और समझ लीजिए 2.5 रुपए का तो चिप्स
के पैकेट के अंदर भरा हुआ हवा का ही ले लेता है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि वो विकृत गंधीता होने से बचाने के लिए, यानी कि ज्यादा समय तक वो अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। शायद इसी के कारण हम लोग से 5 रुपए लेता है और 2 रुपए का सामान देता है। खैर, जो भी हो, खाने का मन करता है तो खाते ही है। इस चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स खत्म। अगर आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए यूट्यूबर के लिए ये सॉरी नए व्यूअर जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करवा दूंगा और समीकरण को संतुलित करने के बारे में बता दूंगा।